वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट संस्कृत, लेसन नंबर 1 सम अर्चनम यानी पूजन, वर्शिप यानी भारतीय संस्कृति में यानी इंडियन कल्चर में चार वेदों का बहुत महत्व है, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का समावेश होता है। ऋग्वेद में जो वर्सेस यानी श्लोक जो होते हैं उनको मंत्र कहा जाता है, यानी मंत्रों की ऋचा ली गई है, मंत्र है। यहाँ पहला जो मंत्र है वो फायर गॉड यानी अग्नि के बारे में, अग्नि की स्तुति की गई है। अग्नि मिले पुरोहितम यज्ञस्य देवऋत्विजम होतारम रत्नधातमम। अग्नि मिले, अग्नि यानी अग्नि की, इले यानी स्तुति करता हूँ, मैं अग्नि की स्तुति करता हूँ। पुरोहितम यानी पुरोहित यानी यजमान, जो हमें कर्म करवाते हैं, वही संस्कार करवाते हैं, वही यज्ञस्य यानी यज्ञ के। देवऋत्विजम, देवऋत्विजम मतलब यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण, यानी अग्नि को यज्ञ करने वाले देव माने जाते हैं, यानी यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण। होतारम यानी होम हवन करवाने वाले। रत्नधातम यानी रत्नों को धारण करने वाले, यानी यज्ञस्य यानी यज्ञना पुरोहितम यानी पुरोहित, देवऋत्विजम यानी दिव्य प्रकाश वाले देव, होतारम यानी यज्ञ होम हवन करवाने वाले, रत्नधातम यानी रत्नों को धारण करने वाले, अग्निम इले मैं अग्नि की पूजा करता हूँ। यज्ञ के पुरोहित, दिव्य प्रकाश वाले देव, यज्ञ कराने वाले, होम हवन करवाने वाले, रत्नों को धारण करने वाले, मैं अग्नि की स्तुति करता हूँ। अब इंग्लिश में उनका ट्रांसलेशन देखेंगे। आई प्रे टू अग्नि प्रिसेप्टर ऑफ सैक्रिफाई द डाइटी ल्यूमिनस ओनिंग टू डिवाइन लाइट द ऑप्रिशिएट पीस्ट ऑफ सैक्रिफाइसिस द वन ऑफरिंग ऑब्जर्वेशंस एंड वेयरिंग जेम्स। यानी प्रिसेप्टर मतलब होता है उपदेशक, उपदेश देने वाले। सैक्रिफाइस मतलब होता है यज्ञ बलि। डिलाइट मतलब होता है देवता या तो देव। ल्यूमिनस मतलब होता है तेजस्वी। ओनिंग यानी कर्जदार। ऑफरिशिएटिंग मतलब होता है पुरोहित। प्रिस्ट मतलब होता है पुजारी या तो धर्म उपदेशक। और ऑब्रेवेशंस मतलब होता है आहुति, यानी यज्ञ में जो हमें आहुति देते हैं वही। और जेम्स मतलब होता है रत्न। दोबारा ट्रांसलेशन देखेंगे। आई प्रे टू अग्नि द प्रिसेप्टर ऑफ सैक्रिफाइस द डाइटिंग ल्यूमिनस ओनिंग टू डिवाइन लाइट द ऑफिशिएट फीस्ट ऑफ सैक्रिफाइसिस द वन ऑफरिंग ऑब्जर्वेशंस एंड वेयरिंग जेम्स। अब सेकंड मंत्र है अग्ने वर्तपते व्रत चरिष्यामि तत्क्षकेयम् तन्मे राज्यताम इदम् अहम् अनृणातात सत्यम् उपमेहि। अग्नि यानी दूसरा जो मंत्र है वो भी फायर गॉड यानी अग्नि देव का है। अग्निम यानी अग्नि, व्रतपते यानी व्रतों के अधिपति, व्रतों के स्वामी अग्निदेव,
व्रतम चरिष्यामी यानी व्रत का मैं पालन करूंगा, व्रतम चरिष्यामी यानी व्रत का मैं पालन करूंगा। तत्केयम यानी सकेयम मतलब होता है मैं समर्थ बन सकूं। तन्मे राध्यताम तत्मे यानी तो मुझे राध्यताम, राध्यताम मतलब सिद्धि प्राप्त कराओ। तन्मे राध्यताम तो मुझे सिद्धि प्राप्त कराओ। इदम अहम अनुनातम मैं इस अनुनातम मतलब असत्य में से, सत्यम उपमेही यानी सत्य की और उपमेही यानी गति करूं यानी सत्य के व्रत का पालन करूं। उनका हिंदी में अर्थ होता है कि हे व्रतों के अधिपति अग्निदेव मैं व्रत का पालन करूंगा, मुझे उनकी सिद्धि कराओ, मैं असत्य मार्ग से सत्य की ओर गति करूं। तो इंग्लिश में उनका ट्रांसलेशन होता है कि ओ फायर गॉड द लॉर्ड ऑफ वॉव आई विल ऑब्जर्व यू वॉव लेट इट बी मेड सक्सेसफुल आई सेल गो टॉवर्ड्स द ट्रूथ फ्रॉम द फॉल्सहुड। वो मीन्स व्रत, ऑब्जर्वेशन यानी ध्यान रखना, टॉवर्ड यानी की तरफ, और फॉल्सहुड मतलब झूठ कपट की ओर से। दोबारा कि ओ फायर गॉड द लॉर्ड ऑफ वॉव आई विल ऑब्जर्व यू वॉव लेट इट बी मेड सक्सेसफुल आई सेल गो टॉवर्ड्स द ट्रूथ फ्रॉम द फॉल्सहुड। यानी हे व्रतों के अधिपति अग्निदेव मैं आपके व्रत का पालन करूंगा, उनकी मुझे सिद्धि करा दो जिससे असत्य की ओर से मैं सत्य की तरफ गति करूं। अब तीसरा जो मंत्र है उसमें भगवान शिव यानी जो हमारा कल्याण करता है भगवान शिव, उनकी बात बताई गई है कि नमः संभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ये यजुर्वेद में से लिया गया है। यानी संभवायम यानी जिससे कल्याण हो, सुख हो, जिससे कल्याण हो या तो सुख हो। मयोभवाय यानी जिससे मयस यानी सुख उत्पन्न हो, जिससे सुख उत्पन्न हो। च नमः, नमः यानी नमस्कार करना। शंकराय च, शंकराय च यानी कल्याण जो करते हैं वह। मयस्कराय च, मयस्कराय च यानी जो सुख जो देता है वह। शिवतराय च यानी जो ज्यादा कल्याणकारी है वही, यानी उनको नमस्कार हो। यानी कल्याण के सुख को जन्म देने वाला, सुख के दाता को नमस्कार हो। जो मेरा कल्याण करता है, जो सुखकारी है उनको नमस्कार हो। जो परम कल्याण रूप अतिशय मेरा ज्यादा मेरा कल्याण करते हैं उनको नमस्कार हो। तो इंग्लिश में सैल्यूटेशन टू वन हु गिव्स बर्थ टू वेलफेयर एंड हैप्पीनेस, सैल्यूटेशन टू द वन हु ब्रिंग्स वेल बिगेन एंड लीड्स टू हैप्पीनेस, सैल्यूटेशन टू वन हु इज द फाइनल बींस एंड बिगेन्स ग्रेटर वेलफेयर। यानी सैल्यूटेशन मतलब नमस्कार, लीड्स यानी दौड़ना की ओर ले जाना, और बींस मतलब होता है परम सुख। दोबारा कि सैल्यूटेशन टू द वन हु गिव्स बर्थ टू वेलफेयर एंड हैप्पीनेस,
सैल्यूटेशन टू द वन हु ब्रिंग्स वेल बिगेन एंड लीड्स टू हैप्पीनेस, सैल्यूटेशन टू वन हु इज द फाइनल बिल्स एंड बींग्स ग्रेटर वेलफेयर। तो इस काव्य में से हमें लर्न श्लोक करना है संस्कृत में, जो एग्जाम में पूछा जाता है वो श्लोक नंबर 1 और श्लोक नंबर 3 लर्न करना है। ये दो श्लोक जो होते हैं वह संस्कृत में कंप्लीट द वर्सेस यानी श्लोक की पूर्ति कीजिए उनके अंदर पूछा जाता है। अग्नि मिले और ये नमः संभवाय पूछा जाता है। लौकिक में से भी एक श्लोक पूछा जाता है जो लास्ट वाला वयम तम शरणामो वही पूछा जाता है, मतलब कि इस लेसन में से 3 श्लोक पूछा जाता है। थैंक यू।